ये तो एक दबाव था, अभी तो हमें लगता है कि बदली हुई परिस्थिति है, तो आज शायद महागठबंधन की एक बैठक हो रही होगी या हो चुकी होगी, और भी बातचीत हो रही है, तो हमें लगता है कि बदली हुई परिस्थिति के मद्देनज़र हम लोग सब मिल करके बात करेंगे और एक ऐसा कोई फार्मूला निकले जो सबके लिए सही हो। आपके कार्यकर्ता चाहते नहीं 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 ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, हमारे कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि पार्टी और मजबूत हो, और हमारी पार्टी बुनियादी रूप में ये आंदोलन की पार्टी है, तो हमारा बड़ा काम तो संसद के बाहर है, और जब जब हमारे लोग संसद के अंदर जाते हैं, आप देख रहे हैं कि मनोज मंजिल के साथ इन लोगों ने क्या किया, ये कोशिश होती है, फिर भी बाहर की आवाज़ को हम लगातार अंदर भी इसको बढ़ाते रहेंगे, और ये दोनों मिला करके पार्टी है, तो बिहार पार्टी का सबसे मजबूत गढ़ है, लोग ये चाहते हैं कि इस दौर में पार्टी की भूमिका और बढ़े, और खासकर आज फांसीवाद से जो लड़ाई है, जो विचारधारा की लड़ाई है, जो हम कह रहे हैं कि भगत सिंह अंबेडकर के रास्ते पर चलने की जो बात है, तो इसमें माले की एक बहुत बड़ी भूमिका है, तो वो भूमिका पार्टी निभाएं। अभी तो बिहार भोजपुर में हम देख रहे हैं कि हमारे नौजवानों ने ये संकल्प लिया, हम सब मनोज मंजिल बन करके लड़ेंगे, तो पार्टी ठीक से लड़े इसकी पूरी कोशिश है, और पार्टी जरूर लड़ेगी। नहीं नहीं पहली बार मैं कह दूं, राज्यसभा में ही पता नहीं कुछ लोग मेरे नाम लेकर के चर्चा कर रहे थे, ऐसी कोई बात तो थी नहीं। अब यही है, अब अफसोस की बात, हम यही कहेंगे कि भाई हम लोग तो फेक न्यूज़ के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं, और इसीलिए हम तो बिल्कुल नहीं चाहते हैं फेक, आधा फेक, क्वार्टर फेक, किसी तरह का कोई फेक न्यूज़ हो, ये सब काल्पनिक खबर थी। तो बात ये ज़रूर है कि बिहार में भी लोग ये समझते हैं, हम भी समझते हैं कि माले को मौका मिलना चाहिए राज्यसभा, ये पार्टी की बात है, और हम लोगों ने इसलिए महागठबंधन में सवाल भी उठाया कि भाई हमारे पास 12, लेफ्ट के पास 16 विधायक हैं, और लगातार हम लोग अन्य दलों को समर्थन दे रहे हैं, तो ज़रूरी है कि राज्यसभा में MLC में माले को, वामपंथियों को भी मौका मिले। लेकिन कल खड़गे जी का फोन आया तो कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व यहाँ तेजस्वी से भी बात हुई, तो कुल मिलाकर के महागठबंधन में जो राय बनी उसी हिसाब से हम लोगों ने इस बार के लिए हमारा जो दावेदारी है उसको हमने स्थगित रखा है, और वो आगे के उसमें रहेंगे। हम लोग चाहते हैं पूरी एकता के साथ महागठबंधन का जो पैनल बने उसी पैनल के पक्ष में हम लोग रहेंगे। लोकसभा के लिए आपने सैक्रिफाइस किया, आपने ये कहा आपने सैक्रिफाइस किया गठबंधन के लिए। आप बिल्कुल, गठबंधन में सैक्रिफाइस के आधार पर ही तो गठबंधन चलता है। सैक्रिफाइस तो हमने विधानसभा चुनाव में भी किया, बहुत सारे सीटें अन्य दलों ने भी किया, और हम उम्मीद करते हैं कि इसी आधार पर लोकसभा के ठीक से तालमेल हो और लोकसभा में एक सार्थक सीट शेयरिंग हो जाए, तो निश्चित तौर पर एक अच्छा परिणाम लोकसभा। पहले आप लोग 5 सीट बोलते थे, अब क्या कितने? नहीं तो पहले तो मान लीजिए नीतीश जी जब थे तो एक दबाव था, अभी तो हमें लगता है कि बदली हुई परिस्थिति है, तो आज शायद महागठबंधन की एक बैठक हो रही होगी या हो चुकी होगी, और भी बातचीत हो रही है, तो हमें लगता है कि बदली हुई परिस्थिति के मद्देनज़र हम लोग सब मिल करके बात करेंगे, और एक ऐसा कोई फार्मूला निकले जो सबके लिए सही हो। आपके कार्यकर्ता चाहते हैं आप चुनाव लड़े इसको लेकर के पार्टी नहीं 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 ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, हमारे कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि पार्टी और मजबूत हो, और हमारी पार्टी बुनियादी रूप में ये आंदोलन की पार्टी है, तो हमारा बड़ा काम तो संसद के बाहर है, और जब जब हमारे लोग संसद के अंदर जाते हैं, आप देख रहे हैं कि मनोज मंजिल के साथ इन लोगों ने क्या किया, ये कोशिश होती है, फिर भी बाहर की आवाज़ को हम लगातार अंदर भी इसको बढ़ाते रहेंगे, और दोनों मिलाकर के पार्टी है, तो बिहार पार्टी का सबसे मजबूत गढ़ है, लोग ये चाहते हैं कि इस दौर में पार्टी की भूमिका और बढ़े, और खासकर आज फांसीवाद से जो लड़ाई है, जो विचारधारा की लड़ाई है, जो हम कह रहे हैं कि भगत सिंह अंबेडकर के रास्ते पर चलने की जो बात है, इसमें माले की एक बहुत बड़ी भूमिका। गठबंधन में सैक्रिफाइस के आधार पर ही तो गठबंधन चलता है, सेक्रीफाइस तो हमने विधानसभा चुनाव में भी किया, बहुत सारे सीटें अन्य दलों ने भी किया, और अब उम्मीद करते हैं कि इसी आधार पर लोकसभा के ठीक से तालमेल हो, और लोकसभा में एक सार्थक
सीट शेयरिंग हो जाए तो निश्चित तौर पर एक अच्छा परिणाम लोकसभा चुनाव में आएगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।